और फिलहाल हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ जमशेदपुर से। जमशेदपुर का कैसा है नवमी का दिन, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और माना जाता है कि जो भी माता के द्वार जाता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बिल्कुल, आज नौवीं का दिन है और नौवीं के दिन का सबसे खास दिन होता है, शिव दायनी माँ की पूजा हो रही है। और हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी कन्या पूजन के लिए अभी तैयारी किए हैं। अभी माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, देख सकते हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी रुक्मणी देवी है, बीच में आपका रघुवर दास जी है, उनके बेटे ललित है जो अभी फिलहाल अभी माँ की आराधना कर रहे हैं और थोड़ी देर में 101 कन्या की पूजन करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये राज की खुशहाली और सुख समृद्धि को लेकर ये आराधना चल रहा है और ये लगातार कई वर्षों से इस पूजन में कन्या पूजन करके माँ शक्ति की जो कन्या की पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि उनके साथ पूरा फैमिली उनके साथ हैं जो अभी पूजन कर रहे हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि आज नवरात्रि का दिन है तो सबसे खास दिन होता है। हालांकि कल भी कन्या पूजन हुआ था, उसके बाद आज नौवां दिन है नवरात्र की, तो आज भी पूजन हो रही है और आज रघुवर दास जी 101 जो कन्या है उनकी पूजन करेंगे। थोड़ी देर में सभी कन्याओं को यहाँ पर बुलाया गया है, बाहर बैठे हुए हैं, उनसे उनको सभी को बारी बारी से उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो कह सकते हैं कि आज के दिन सबसे खास दिन है, नवरात्रि की धूम चारों ओर देखी जा रही है और नवरात्रि को लेकर जो आज सबसे ज्यादा उत्साह होता है पंडालों से लेकर घर में भी सब सुख समृद्धि को लेकर लोग पूजा कर रहे हैं और माँ दुर्गा से यही आराधना कर रहे हैं कि उनकी घर परिवार में खुशहाली बना रहे। खास करके रघुवर दास जी भी यही प्रयास में है कि सभी की खुशहाली बना रहे, इसको लेकर ये लगातार हर वर्ष कन्या पूजन करते हैं और आज के दिन भी खास पूजन है। देख सकते हैं, हम चाहेंगे कि रघुवर दास जी कुछ बताएंगे, तो अभी देख सकते हैं कि पूजन कर रहे हैं, उनसे हम थोड़ी देर में बात भी कराएंगे आपको कि माँ की कृपा है, कैसे आशीर्वाद दिया लेंगे वो और क्या कुछ मनोकामना मांगेंगे माँ से कि क्या कुछ माँ स्वरूप आशीर्वाद मिले उनको। मुख्यमंत्री जी पिछले 5 साल पहले आपका यहाँ के CM थे, हालांकि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनको आराधना में कोई कमी नहीं रखते हैं, हर साल ये पूजा अर्चना करते हैं। और सर माँ से क्या कुछ मांग रहे हैं सर? लाइव चल रहा है सर, क्या कुछ मांग रहे हैं सर? नहीं, प्रत्येक वर्ष की भांति कन्या पूजा का आयोजन होता है, उसी कन्या पूजा के तहत माँ की शक्ति की हम आराधना करते हैं। तो माँ कन्या पूजा के माध्यम से माँ दुर्गा से यही कामना कि पूरे राज्य खुशहाल रहे, समृद्धिशाली रहे, सबके घर में शांति रहे, यही माँ से आज कामना की। आप सर हर साल पूजा करते हैं, इस बार क्या कुछ खास है? नहीं नहीं, जो प्राचीन काल से जो हमारे सनातन धर्म है, अष्टमी और नवमी को कन्या पूजा के आयोजन कर माँ की शक्ति का आराधना करते हैं, तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस सनातन संस्कृति की माँ के दुर्गा का आराधना, नौ कन्या को पूजा करके हम मात नारी शक्ति को सम्मान दे, नारी शक्ति की पूजा करें, यही संदेश इसे कन्या पूजा के माध्यम से माँ दुर्गा की आराधना करते हुए जो शक्ति का संचय करे वो नारी के सम्मान के साथ साथ समाज सेवा का भी उद्देश्य होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि रघुवर दास जी पूजा कर रहे हैं नारी की सम्मान, आज बताएं कि नारी की सम्मान को लेकर आज का ये पूजा खास दिन होता है और ये लोग भी चाहते हैं कि नारी की आगे सदियों से होती आ रही है और ये लगातार होती रहे, तो नारी की सम्मान को लेकर ये पूजा आराधना का आज खास दिन है। और देख सकते हैं कि माँ की भक्ति में लगे हुए हैं खुद रघुवर दास जी, उनके साथ उनकी पत्नी है, उनके बेटे ललित हैं जो अभी माँ की आराधना में लगे हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरा जमशेदपुर में लोग आज नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं,
माँ सिद्धि दायिनी की पूजा कर रहे हैं लोग, और खास करके सबसे खास होता है तो कह सकते हैं कि ये आपको हम आपको दिखा रहे हैं कि भगवान का आज आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि को लेकर काफी पूजन की जा रही है और लगातार खुशहाली बना रहे, सुख शांति बना रहे और इसको लेकर देख सकते हैं हर पंडालों और हर घरों में, हर मंदिरों में आज का पूजा हो रही है। कहीं ना कहीं माँ को लेकर माँ की आराधना में लोग लीन हो गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों में भक्ति का संदेश पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।